हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामा पुल। दोस्तों, जुलाई के महीने में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। अब देखिए, जून के महीने में जो सेल्स रिपोर्ट आई थी उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज की इस रिपोर्ट में आपको जून की रिपोर्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि हमेशा की तरह मैं इस महीने की रिपोर्ट को पिछले महीने की रिपोर्ट से कंपेयर करने वाला हूँ एंड आपको बताने वाला हूँ हमेशा की तरह टॉप 10 से लेकर टॉप 20 तक कौन कौन सी कंपनीज रही हैं इस बार सेल्स के मामले में, कौन सी कंपनी रही है नंबर 1 पर, कौन सी कंपनी रही है नंबर 10 पर एंड कौन सी कंपनी रही है नंबर 20 पर। तो सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों नंबर 10 से। पहले मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 में कौन कौन सी कंपनीज रही है, फिर मैं बताऊंगा आपको 11 टू 20 कौन कौन सी कंपनीज रही है। तो टॉप 10 में दोस्तों नंबर 10 पर है बिगोस ऑटो। बिगोस ऑटो ने जुलाई में सेल की है 613 यूनिट्स एंड जून में इन्होंने सेल की थी 190 यूनिट्स। जून में थे ये 18वें नंबर पर एंड इस बार आ पहुंचे हैं 10वें नंबर पर। जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने 222.63% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। नंबर 9 पर है दोस्तों ओकाया ईवी। ओकाया ईवी ने जुलाई में 721 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 425 यूनिट सेल की थी। जून में ये 12वें नंबर पर थे, इस बार आ पहुंचे हैं 9वें नंबर पर एंड दोस्तों जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने 69.64% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। नंबर 8 पर है हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक ने जुलाई में 759 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 1136 यूनिट सेल की थी। जून में 7वें नंबर पर थे लेकिन इस बार आ पहुंचे हैं 8वें नंबर पर। जून के मुकाबले जुलाई में -33.18% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। तो हीरो इलेक्ट्रिक लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है, इनकी सेल लगातार गिरती जा रही है। इसके बाद 7वें नंबर पर है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प आप लोग देखेंगे कि अब से 2 महीने पहले 15वें 16वें नंबर पर रहती थी ये कंपनी, लेकिन आज आ पहुंची है टॉप 10 में 7वें नंबर पर एंड दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने यानी कि वीडा ने जुलाई में 951 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 465 यूनिट सेल की थी। जून में टॉप 10 से बाहर थे, 11वें नंबर पर थे, इस बार आ पहुंचे हैं 7वें नंबर पर। जून के मुकाबले जुलाई में हीरो वीडा ने 104.51% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद 6वें नंबर पर है दोस्तों ओकिनावा ऑटोटेक। ओकिनावा ऑटोटेक ने जुलाई में 2138 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 2619 यूनिट सेल की थी एंड जून में 6 नंबर पर थे, इस बार भी 6 नंबर पर हैं। जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने -18.36% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। 5वें नंबर पर है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक, जिसका एम्पियर स्कूटर आपको देखने को मिलता है। तो ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने जुलाई में 3386 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 3042 यूनिट सेल की थी। जून में 4th नंबर पर थे, इस बार है 5th नंबर पर एंड जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने करीब 10% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। 4th नंबर पर है दोस्तों बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने जुलाई में 3912 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 3002 यूनिट सेल की थी। जून में 5वें नंबर पर थे, इस बार है 4th नंबर पर एंड 30.31% की पॉजिटिव ग्रोथ बजाज ऑटो ने इस बार दिखाई है। तीसरे नंबर पर है एथर एनर्जी, जो कि काफ़ी समय से तीसरे या दूसरे नंबर पर रहता है। तो दोस्तों एथर एनर्जी ने जुलाई में 6198 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 4596 यूनिट सेल की थी। जून में भी तीसरे नंबर पर थे, इस बार भी तीसरे नंबर पर है। जून के मुकाबले जुलाई में 34.85% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। दूसरे नंबर पर है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स ने जुलाई में 9599 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 7856 यूनिट सेल की थी। जून में भी दूसरे नंबर पर थे, इस बार भी दूसरे नंबर पर हैं। जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने 22.18% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड नंबर 1 पर हमेशा की तरह पिछले कई महीनों से बना हुआ है ओला इलेक्ट्रिक। तो ओला इलेक्ट्रिक ने जुलाई में 18333 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 17622 यूनिट सेल की थी, हमेशा की तरह नंबर 1 पर ही है एंड 4.03% की पॉजिटिव ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। तो टॉप 10 की रिपोर्ट देख करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हीरो मोटोकॉर्प वीडा लगातार अपने पैर पसार रहा, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे काफ़ी चौंकाया है इस बार हीरो मोटोकॉर्प के वीडा ने। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप 20 की, यानी कि 11 से लेकर 20 तक कौन कौन सी कंपनीज रही हैं। तो 11th नंबर पर है दोस्तों प्योर एनर्जी।
प्योर एनर्जी ने जुलाई में 499 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 820 यूनिट सेल की थी। जून में ये टॉप 10 में थे, 8वें नंबर पर थे एंड इस बार 11th नंबर पर आ पहुंचे हैं। जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने -39.14% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। 12वें नंबर पर है दोस्तों रिवोल्ट मोटर्स। रिवोल्ट मोटर्स एक बार फिर से टॉप 10 में पहुंच चुकी थी, लेकिन एक बार फिर ये टॉप 10 से बाहर आ गई है, इस बार नंबर 12 पर है। जुलाई में इन्होंने 464 यूनिट सेल की है, जून में इन्होंने 713 यूनिट सेल की थी, 9वें नंबर पर थी जून में ये, इस बार है 12th नंबर पर एंड जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने -34.92% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। 13th नंबर पर है दोस्तों वार्ड विजार्ड इनोवेशन। तो वार्ड विजार्ड इनोवेशन ने जुलाई में 445 यूनिट सेल की है, जून में इन्होंने 438 यूनिट सेल की थी, जून में टॉप 10 में थे, 10th नंबर पर थे, इस बार 13th नंबर पर। जून के मुकाबले जुलाई में 1.59% की पॉजिटिव ग्रोथ यहां पर दिखाई गई है। 14th नंबर पर है केएलबी कोमाकी। केएलबी कोमाकी ने जुलाई में 341 यूनिट सेल की है, जून में 362 यूनिट सेल की थी, जून में 13वें नंबर पर थे, इस बार 14th नंबर पर। जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने -5.8% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। 15वें नंबर पर है काइनेटिक ग्रीन एनर्जी। काइनेटिक ग्रीन ने जुलाई में 222 यूनिट सेल की है, जून में इन्होंने 203 यूनिट सेल की थी, जून में 16वें नंबर पर थे, इस बार है 15वें नंबर पर। काइनेटिक ग्रीन एनर्जी भी आपको दोस्तों बता दूं कि ये भी टॉप 10 में आ चुकी थी 2 महीने पहले, लेकिन अब फिर से टॉप 10 से बाहर ये कंपनी चल रही है और 15वें नंबर पर इस बार है। पिछले महीने 16वें नंबर पर थी, इस बार है 15वें नंबर पर एंड दोस्तों जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने 9.35% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। 16वें नंबर पर है गोरिन ई मोबिलिटी, जिन्होंने जुलाई में 210 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 316 यूनिट सेल की थी, जून में 14 नंबर पर थी, इस बार है 16th नंबर पर। जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने -33.54% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। 17वें नंबर पर है आई भूमि इनोवेशंस। तो आई भूमि इनोवेशंस ने जुलाई में 222 यूनिट सेल की हैं, जून में इन्होंने 188 यूनिट सेल की थी, 17वें नंबर पर थे जून में भी, इस बार भी 17वें नंबर पर है। 18.08% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है जुलाई में। 18वें नंबर पर है क्वांटम एनर्जी। तो क्वांटम एनर्जी ने जुलाई में 209 यूनिट सेल की है, जून में इन्होंने 79 यूनिट सेल की थी, यानी कि 79 यूनिट सेल की थी एंड आपको सुनकर के अचंभा होगा कि ये पिछले महीने टॉप 20 से बाहर थी ये कंपनी एंड इस बार 18th नंबर पर आ चुकी है। टॉप 20 में एंट्री कर लिया इस कंपनी ने एंड जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने 164.55% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है दोस्तों। 19वें नंबर पर दोस्तों बैनलिंग इंडिया। बैनलिंग इंडिया टॉप 10 में हुआ करता था, लेकिन लगातार अब ये नीचे ही गिरता जा रहा है। अब ये 19वें नंबर पर आ पहुंचा है, कहीं ऐसा ना हो कि अगले महीने टॉप 20 से भी बाहर हो जाए, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो बैनलिंग इंडिया ने जुलाई में 189 यूनिट सेल की है, जून में इन्होंने 253 यूनिट सेल की थी, जून में 15वें नंबर पर थे, इस बार 19वें नंबर पर। जून के मुकाबले जुलाई में इन्होंने -25.29% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। नंबर 20 पर है दोस्तों 22 मोटर्स। तो 22 मोटर्स ने 185 यूनिट सेल की है जुलाई में, जून में इन्होंने 164 यूनिट सेल की थी, जून में 19वें नंबर पर थे, इस बार 20वें नंबर पर आ पहुंचे हैं। जून के मुकाबले जुलाई में 12.80% की पॉजिटिव ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। अब एक बार आपको बता देता हूं कि जुलाई के महीने में टोटल कितने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके हैं। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके हैं जुलाई में, उनका नंबर है 50,040। वहीं जून के महीने में दोस्तों 44,756 टोटल यूनिट्स बिकी थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, जो कि बहुत कम नंबर था दोस्तों पिछले महीने के मुकाबले। मई की अगर मैं बात करूं तो मई में रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई थी, 104,771 टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके थे मई के महीने में एंड वो रिकॉर्ड तोड़ सेल थी, सबसे ज़्यादा नंबर था वो। एंड उसके बाद जून में एकदम से सेल गिर गई, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के प्राइस बढ़ गए थे जून के महीने से, जिसकी वजह से इतनी कम सेल जून के महीने में हुई थी एंड जुलाई में हमने थोड़ी सी ग्रोथ देखी है एंड आई होप कि आगे भी हमें और ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों इस महीने की सेल्स रिपोर्ट में मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया वो हीरो मोटोकॉर्प के वीडा ने चौंकाया है। नंबर 18-19 से चलते चलते टॉप 10 में इसने एंट्री मार ली है, 7वें नंबर पर अब ये कंपनी आ पहुंची है एंड मुझे लगता
सकता है कि दोस्तों धीरे धीरे ये कंपनी चौथे पांचवें नंबर पर भी पहुंच जाएगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आपको इस बात इस सेल्स रिपोर्ट में कौन सी कंपनी ने सबसे ज़्यादा चौंकाया, किसकी सेल ने सबसे ज़्यादा चौंकाया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।